हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी जो मैंने सभी भगवान के लिए कपड़े बनाए हैं, मैंने किस प्रकार सबके कपड़े बनाए हैं, तो आज इस वीडियो में वही दिखाऊंगी आपको। मैंने सिर्फ दो चीज़ें यूज़ करके कपड़े बनाए हैं और बहुत सुंदर ये पोशाक बनी है, तो आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी प्रेस करके रखी हुई है बनाकर, तो ये सबसे पहले दिखा रही हूँ मैं आपको। ये हमारी गौरा माँ का लहंगा है और ये हमारे भोले बाबा का पटका है। ये देखिए इस तरह की मैं उनकी ड्रेस बनाती हूँ। और ये हमारी गौरा माँ का ओढ़नी है, गौरा माँ की ओढ़नी है। और बिल्कुल इसी तरह से ये हमारी लक्ष्मी माँ की ओढ़नी है। और ये हमारे विष्णु भगवान का पटका है। और ये हमारी लक्ष्मी माँ का लहंगा है। ये हमारे साईं बाबा का पटका है, चोला जो उन्हें पहनाते हैं ऊपर से। तो और ये देखिए ये हमारे लक्ष्मण जी का पटका, राम जी का पटका और हनुमान जी का पटका, ये तीन पटके हो गए। ये हमारी सीता माँ का लहंगा देखिए, और ये हमारी सीता माँ की ओढ़नी। तो बहुत ही सुंदर ये ड्रेस, मैंने कुछ भी इसमें यूज़ नहीं किया, ना कोई स्टोन ना कोई जरी वर्क, कुछ नहीं, सिर्फ एक मल्टी कलर की लहरिया लेस। और ये सिल्क का, ये मैंने पेपर सिल्क उसे बोलते हैं, ये वाला मैंने कपड़ा यूज़ किया है। और ये हमारे साईं बाबा का चोला है, सॉरी श्याम बाबा का चोला है। तो ये हमारे श्याम बाबा की ड्रेस हो गई। और अब ये है हमारी माँ काली का लहंगा, ये है हमारी माँ काली का लहंगा। अब देख रहे हैं मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, और क्योंकि गर्मी है तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वर्क वाला ये कपड़ा यूज़ नहीं किया है। और ये हमारी माँ काली की ओढ़नी है, तो मैंने लेंथ भी इसकी बहुत इनफ बनाई है, यानी कि बहुत लंबे लंबे मैंने ये ओढ़नी बनाई है, क्योंकि लंबी ओढ़नी ही मुझे अच्छी लगती है। और एक ये पटका आप देख रहे हैं, तो ये जो हमारे सालिक राम जी महाराज हैं ये मैं उनके पास रखती हूँ, ये उनके लिए है। और एक ये ओढ़नी मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये हमारी दुर्गा माँ की ओढ़नी है। और ये देखिए बहुत ही लंबी मैंने ये ओढ़नी बनाई है। दुर्गा माँ के लिए ओढ़नी ज़्यादातर मैं लंबी लंबी बनाती हूँ, उसकी 30 इंच की इसकी मैंने लंबाई रखी है, 30 इंच की मैंने इसकी लंबाई रखी है। और जो मेरी माँ दुर्गा हैं वो 18 इंच की हैं, तो ये माँ दुर्गा की ओढ़नी है। और ये हमारी माँ दुर्गा का लहंगा है। देखिए मैंने कुछ भी वर्क नहीं किया है, और आप देख रहे हैं बहुत सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल सी मैंने ड्रेस बनाई है। इसीलिए मैंने आपके साथ में ये सिलाई की वीडियो अपलोड नहीं की है, क्योंकि इसे बनाने में आप देखेंगे कि कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मैंने दो लेस लगाई हैं और ये इस तरह से प्लीट्स डालकर और ये प्रेस करके मैंने ये ड्रेस को रख दिया है। तो ये हो गई हमारी माँ दुर्गा की। अब हम दिखाते हैं अपने युगल सरकार की ड्रेस। तो ये हमारी राधा रानी का लहंगा, ये हमारी राधा रानी का लहंगा है। और ये उनका ऊपर का ब्लाउज़ है, और ये उनकी ओढ़नी है। तो देखिए उनकी भी ओढ़नी मैंने बहुत लंबी बनाई है। तो बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल सा लुक देकर मैंने ये पिकॉक ग्रीन कलर की ये ड्रेस बनाई है। एक इस बार मैंने पत्ता ग्रीन कलर नहीं यूज़ किया है, पिकॉक ग्रीन किया है, क्योंकि पत्ता ग्रीन कलर के पास दो ड्रेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये हमारे कृष्णा जी का ब्लाउज़ है, और ये देखिए ये उनका पटका है। तो ये भी मैंने कितना लेंदी बनाया है, तो ये भी बहुत सिंपल सा, इसमें भी मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ से बस थोड़ा सा कम किया है और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा किया है। तो ये उनका पटका हो गया। और इस बार मैंने उनके लिए बनाई है जैसे कि धोती, तो ये बहुत ही सिंपल लुक में मैंने ये उनकी ड्रेस तैयार की है। आई होप आपके लिए वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी मैं अपनी जो फ़ोटोज़ हैं कान्हा वासु किशोरी की, और जो मैं ड्रेसेस बनाती हूँ उनकी फ़ोटोज़ भी मैं आपके साथ अपलोड उस पर कर रही हूँ। और जो मैंने ब्लू कलर की ड्रेस बनाई थी उसमें मैं एक कलर और बनाऊँगी, तो उसकी फ़ोटो भी मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में और हमारे राधा कृष्ण के श्रृंगार के साथ, इस ड्रेस में वो कैसे लगते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।